सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की, कि हम लोग किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में एक चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना, वरना कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो गाइस देखो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही जाके जो अपना डीमैट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो ये है निफ्टी 50 का चार्ट और ये है डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स वैसे कौन कौन से होते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, थियोरेटिकल बताता हूँ एक बार, फिर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इनको। ओके, तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको कितने तरीके के ट्रेडर्स होते हैं एक बार वो सजेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है पोजिशनल ट्रेडर। ओके, आप इनमें से कौन से हो आपके लिए वो टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। ओके, एक होता है पोजिशनल ट्रेडर और एक होता है स्विंग ट्रेडर। ठीक है, इनके बारे में अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो मैं आपके इसके ऊपर भी बना दूंगा। ठीक है, स्विंग ट्रेडर और एक होता है स्कैल्पर। ठीक है, चलो यहीं पे समझा देते हैं गाइस। पोजिशनल ट्रेडर वो होता है जो अपने जो ट्रेड्स हैं उनको कब तक होल्ड करता है, महीनों तक, मतलब महीनों तक, यानी कि 2 महीनों तक, 3 महीने तक वो जो होल्ड करता है ना, उसे हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर। ओके, स्विंग ट्रेडर हम उसे बोलते हैं जो हफ्तों तक भी, मतलब जो कह सकते हैं 7-8-10-20 दिन तक जो अपने शेयर्स या ट्रेड्स को होल्ड करते हैं और फिर उन्हें जैसे ही प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो बुक करके निकल जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। ओके ओके, तो और स्कैल्पर किसे बोलते हैं, जो ट्रेड्स ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट होल्ड करता है या 15 मिनट या फिर 1 मिनट। ओके, तो इसे हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, तो बाकी आपको ये सब पता है। अब एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए कौन कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है एनालाइज करने के लिए, चलो वो डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, एक जो पोजिशनल ट्रेडर होता है ना, वो महीनों तक अपने जो ट्रेड्स हैं उनको होल्ड करता है, तो उसे एनालाइज करना चाहिए 1 मंथ। ठीक है, और 1 मंथ के बाद में 1 वीक। ओके, तो ये 2 टाइम फ्रेम्स है जिन्हें उसे एनालाइज करना चाहिए, बाकी वो यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पर भी जा सकता है। ओके, यहाँ पर, और उसे एंट्री बनानी चाहिए हमेशा। एंट्री कब बनानी चाहिए, एंट्री बनानी चाहिए उसे 15 मिनट पे। ओके, ध्यान रखना 15 मिनट पे उसे एंट्री बनानी चाहिए। बाकी अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर उसके लिए 1 डे, और 1 डे के बाद में 4 आवर। ठीक है, 4 आवर के बाद में 1 आवर, ये सारे के सारे टाइम फ्रेम्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी इनको किस तरीके से एनालाइज करना है हम लोग बात करेंगे, आप आराम से वीडियो में पूरे एंड तक बने रहो। 1 डे टाइम फ्रेम, 4 आवर, 1 आवर एंड देन 15 मिनट। ओके, और ये 5 मिनट, 1 मिनट उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है स्विंग ट्रेडर के लिए। ओके, और उसे एंट्री कब बनानी चाहिए, एंट्री बनानी चाहिए उसे 5 मिनट पे। ओके, 5 मिनट या 15 मिनट दोनों ले सकते हो। ठीक है, 15 मिनट और वो एंट्री बना भी सकता है 5 मिनट पे भी। ओके, और एक स्कैल्पर के लिए ये टाइम फ्रेम सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद इन सारे टाइम फ्रेम्स को ही यहीं पे यूज़ करता हूँ, लेकिन इसमें एक और ऐड हो जाता है 1 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो एक स्कैल्पर जो होता है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम को भी एनालाइज करता है और वो एंट्री बनाता है हमेशा 5 मिनट। ओके, 5 मिनट या फिर 1 मिनट पे, तो वो इन 2 टाइम फ्रेम्स के ऊपर यहाँ पर एंट्री बनाता है। ओके, तो मैं इन दोनों को यूज़ करता हूँ। अगर आपको, आप कौन से में हो ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, बाकी मैं तो स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ और स्कैल्पिंग भी करता हूँ। मैं स्विंग ट्रेडिंग में SMC स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो SMC ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, और स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी तो आप सभी लोगों को मेरी पता है, EMA स्ट्रैटेजी है। मैं डेली लाइव आता हूँ और क्रिप्टो में हम लोग ट्रेड करते हैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रात को। ओके, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, और EMA स्ट्रैटेजी मैं वहाँ पर यूज़ करता हूँ। लाइव में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग EMA स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड लेते हैं। अगर आपको मेरी EMA स्ट्रैटेजी नहीं पता तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके वीडियो देख सकते हो। ओके, तो ये थे टाइम फ्रेम्स हमने जो डिस्कस किए। बाकी अब चलते हैं एक बार कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के, मतलब मैं बात करूंगा आज सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग की इस वीडियो में, स्विंग ट्रेडिंग की। ओके, और एक स्कैल्पिंग की। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूं, तो उसका मेरे को एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है और मैं आपको गलत नॉलेज बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं। ओके, तो मैं बात करूंगा सिर्फ स्विंग की और स्कैल्पिंग की। ओके, अब गाइस हम लोग बात करेंगे
कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पे हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी कि जैसे वन डे का टाइम फ्रेम हो गया तो उस पर हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना चाहिए, और 15 मिनट पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना चाहिए, ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए। तो ये सभी लोगों के डाउट्स रहते हैं, तो आज मैं उनको वन बाय वन क्लियर करता चलूँगा आपके, ओके। और अगर आपका कोई भी वीडियो, मतलब आप चाहते हो कि यार मेरे को इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में लिख दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अलग से। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ऊपर से नीचे हम लोगों को आना है हमेशा। कभी भी आप एनालाइज करते हो तो ऊपर से नीचे की आओ, नीचे से ऊपर मत जाओ, ठीक है। यानी कि डेली टाइम फ्रेम से वन डे पे लो, फिर 4 आवर पे एनालाइज करो, फिर 1 आवर पे, ठीक है। 1 आवर के बाद में यहाँ पर 15 मिनट पे आओ, फिर 5 मिनट पे आओ, फिर 1 मिनट पे जाओ, ठीक है। तो इन ऐसे कि हमें यहाँ पर एनालाइज करना है, कभी भी इस तरीके से मत एनालाइज करना, ओके। तो आप यहाँ पर देखो, वन डे टाइम फ्रेम पर हमें क्या करना है वो मैं बता दूंगा, वन डे के बाद में 4 आवर पे, ओके, इस पर क्या क्या करना है वो मैं भी बता दूंगा, 1 आवर पे क्या क्या करना है, और 15 मिनट पे हमें क्या क्या करना है, और 5 मिनट पे हमें क्या क्या करना है, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। गाइस जो मेरी ईएमएस स्ट्रैटेजी है, आप 1 मिनट पे यूज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट पे उस पर फेक सिग्नल ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए ईएमएस स्ट्रैटेजी पे, तो आप 1 मिनट पे भी जा सकते हो, बाकी 5 मिनट पे यूज़ करो, 15 मिनट पे यूज़ करो, बढ़िया आपको यहाँ पर वो रिजल्ट्स देगी, ओके। तो अब देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, आपको ड्रॉ करने हैं, ओके, वन डे के टाइम फ्रेम पर। और कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं आ रही है, ठीक है गाइस, अगर आपको देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता है, तो आई बटन पर आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा, आप क्लिक करो, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का वीडियो देखो, ओके, कि किस तरीके से हम लोग इनको ड्रॉ करते हैं, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली है। और 4 आवर पे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, 4 आवर पे हमें ये पता लगाना है ट्रेंड कौन सा है, ओके, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। बाकी ये सारी चीज़ें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन 4 आवर पे भी आपको बनानी है, लेकिन इस पे हमें मेन जो है फोकस करना है ट्रेड आइडेंटिफिकेशन, ओके, आइडेंटिफिकेशन यानी कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। कोई मेजर सपोर्ट या लेवल्स थोड़ी ना है, मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई लेवल्स थोड़ी ना है इस पे, तो वो भी हमें यहाँ पर 4 आवर पे देखने हैं, ओके। बाकी जो मेन होता है वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है। 1 आवर पे भी आपको यही सेम चीज़ करनी है यहाँ पर, ठीक है, 1 आवर पे भी, यहाँ पर भी हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अगर 4 आवर पे देखो अब ट्रेंड है और 1 आवर पे भी अब ट्रेंड है, तो ज़्यादा चांसेस है मार्केट क्या है ऊपर जाएगा, ओके। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है यार 4 आवर पे ही रिजेक्शन ले रहा है ईएमए का, ठीक है, यानी कि डाउन साइड जाएगा, और 1 आवर पे आपको लग रहा है ये ऊपर जाएगा, तो वो थोड़ा सा कम चांसेस हो जाते हैं वहाँ पर ट्रेड के चलने के आपके, जो भी आप 5 मिनट पे 4 मिनट 15 मिनट पे जो ट्रेड लोगे उसके चलने के चांसेस क्या है आपके फेवर में, वो कम हो जाते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है यहाँ से यार 4 आवर में भी ऊपर जाएगा मार्केट और 1 आवर में भी ऊपर जाएगा, तो आपके चांसेस जो है ट्रेड के चलने के वो ज़्यादा है हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है, ओके। बाकी 15 मिनट पे आपको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ढूंढने, ठीक है। बाकी ये तो हो गए ऑर्डर ब्लॉक्स, जो आप वन डे टाइम फ्रेम पर या 4 आवर टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे वो तो क्या है हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये तो बहुत कम हिट होंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ से तो मार्केट ने देखो कितना पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ से पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से लिया, फिर ऊपर गया, तो ये क्या है हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया। लेकिन ये कौन से टाइम फ्रेम पर है, वन डे टाइम फ्रेम पर, और वन डे टाइम फ्रेम पर ये हमारे लिए क्या है ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से मार्केट आएगा, कभी यहाँ से गिरा ना यहाँ तक, तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर जाएगा, तो ये हमारे लिए क्या है ऑर्डर ब्लॉक है। और ये यहाँ पर आने के चांसेस तो है नहीं मार्केट के, एक दिन में तो नहीं आएगा ना, तो ये हमारे लिए सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक का काम करते हैं। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में वन डे में काम नहीं करेंगे आपके इतने, बाकी वो काम करेंगे आपके 15 मिनट पे, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है आपको मेजर लेवल्स किस में ड्रॉ करने हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लिख लो ये बात को, ओके। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने हैं, और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ट्रेंड लाइन, ओके, क्योंकि ये वो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो मार्केट में काम करने वाले हैं जब आप ट्रेड लोगे तो, ओके। और यही हमें टारगेट बताते हैं और स्टॉप लॉस बताते हैं, ठीक है। बाकी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है, आपकी एंट्री, ओके, एंट्री और एग्ज़िट ये प्लान करना है, ओके, और आपका जो टारगेट है वो भी इसी टाइम फ्रेम पर लगना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो ये सारे के सारे टाइम फ्रेम से जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो इस तरीके से। बाकी अब मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और एनालाइज करते हुए चलेंगे, ओके, चलो आओ चलते हैं।
तो गाइस ये है निफ्टी 50 का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर एक सपोर्ट। ओके अच्छा खासा सपोर्ट है ये। ओके यहाँ पर से मार्केट ने बाउंस बैक किया है और ठीक है ये है इतना, और मेरे को एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन है हमारी इस तरीके से। ओके लेकिन हालांकि ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर है, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगी। बाकी 22,500 तक मार्केट आया ना तो यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, बस वो ये बताता हमें, ठीक है 22,500, और आपको पता है ये 24,000 के आसपास है अभी, तो 22,500 तक आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। बाकी अब हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पर हमने ये ड्रॉ किया। ओके और हमें ट्रेंड कौन सा दिख रहा है, अब ट्रेंड है यार, ट्रेंड देखो वन डे के टाइम फ्रेम पर। अब हम चलेंगे 4 आवर पे। ओके ये हमारा हो गया 4 आवर। 4 आवर पे आपको ऊपर से एक चैनल दिख रहा होगा यहाँ से देखो, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस के साथ आएंगी आपको। ये देखो ये पहले एक चैनल में चल रहा था, इस तरीके से मूव कर रहा था, ठीक है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, तो पहले भी मार्केट ने इसी जगह से रिजेक्शन लिया, लेकिन इसको जब ब्रेक किया ना तो थोड़ा कंसोल्ड किया और ऊपर गया, ठीक है, और बाकी अब वापस आया तो इसी जगह सपोर्ट लिया। गाइस देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, पूरा बता दूंगा। ये था 4 आवर पे। अब 4 आवर पे मैंने क्या बोला था आपको कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो देखना ही है, हमें ट्रेंड भी देखना है मार्केट का, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ये EMS यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो EMS अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है तो आप मेरी EMS स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लो, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ये अप ट्रेंड में था, लेकिन अब ये रिजेक्शन लेने आ सकता है, और रिजेक्शन लेने कितना आ सकता है, ये आएगा इतना, ठीक है, ये यहाँ तक रिजेक्शन लेने आ सकता है, और ये लेवल कितना है 23,800। ओके तो ये 23,800 मैंने कल भी आप लोगों को बताया था ये वो मैं अपने एनालिसिस वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, आप मेरा कल वाला ये वीडियो देखना, मैंने बिना देखे ऑप्शन चेन को देखे ये बता दिया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, समझ रहे हो, तो ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। पुट राइटर का मतलब होता है जिसने पुट को सेल किया हुआ हो, और उनका व्यू किस साइड है, अप साइड का, तो यहाँ से मार्केट आएगा नीचे और अपसाइड जा सकता है, तो ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है यहाँ पर। ओके तो 23,800 हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। तो ये क्यों मैंने बोला सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट देखो हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, ये देखो आप, ठीक है, यहाँ पर हायर हाई बनाया, फिर इसके ऊपर देखो कोई सी भी कैंडल रेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी सी भी कैंडल रेड तो है ही नहीं, सारी की सारी ग्रीन है, तो कभी भी एक रेड कैंडल वो बना सकता है। ओके और 24,000 हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, और जिसके आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। गाइस अगर 24,000 आज ब्रेक हुआ ना तो ये ऊपर के साथ एक और हाई बनाने जा सकता है। ओके बाकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट में सेल करने के लिए रेडी हैं, समझ रहे हो, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट आएगा तो एक रिजेक्शन लेगा, और यहाँ पर क्या है, मेरा व्यू क्या है, अप डाउन साइड है, तो यहाँ पर ये एक रेड कैंडल बना सकता है। ओके ज़रूरी नहीं है गाइस, देखो ये हम लोग 4 आवर पे देख रहे हैं, तो इंट्राडे में ये काम करेगा या नहीं करेगा, अब वो कभी भी आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, जितना आप लंबा ट्रेड को होल्ड करने वाले हो उतना बड़ा टाइम फ्रेम आपको लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पर वो एनालाइज करता है जिसको छोटे टर्म के लिए मतलब मार्केट में रहना है, यानी कि उसको ट्रेड लगाना है छोटे टाइम फ्रेम के लिए, तो ये सारी चीज़ें समझने की है। देखो 4 आवर हम लोग क्यों ले रहे हैं, 4 आवर हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक लेवल है। ओके तो हालांकि ये ज़रूरी नहीं है आज ही यहाँ पर सपोर्ट लेगा और ऊपर चला जाएगा, नहीं, ये 2-3 दिनों बाद भी आ सकता है, समझ रहे हो, तो लेकिन ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कौन सा है, 24,000, समझ रहे हो। तो ये था एक एनालिसिस, अब ये डाउन जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे 1 आवर पे, ठीक है, अब मेरा व्यू क्या है, थोड़ा सा डाउन साइड हो गया यहाँ पर, समझो मेरी बात को, 4 आवर पे क्या है मेरा व्यू, यहाँ पर लिखो, लिख लो मेरा व्यू डाउन साइड है। ओके बाकी अब मैं बात करूँगा यहाँ पर 1 आवर पे। ओके अब हम लोग 1 आवर पे बात करेंगे, ये देखो 1 आवर पे क्या हो रहा है, मार्केट रिजेक्शन ले रहा है यार, समझो देखो मार्केट क्या ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है EMA का, और डोजी टाइप कैंडल भी बना रहा है 1 आवर पे। गाइस फिर से ये टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो, तो अब जो ये प्राइस है यहाँ पर एक बार सपोर्ट ले सकता है। ओके और ये लेवल है हमारा, आप देख लेना ये कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, 23,900। ओके तो 23,900 के समथिंग ये एक लेवल है जो कि हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट है। ओके ये अब ये काम करेंगे, ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ना ये छोटे छोटे ये 23,900 जो आसपास है जो प्राइस के, तो ये तो काम करेंगे ही करेंगे। ओके तो अभी हम लोग 15 मिनट पे भी देखेंगे, लेकिन ट्रेंड आपको कौन सा लग रहा है, अभी भी ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही है, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये इसका बिहेवियर देखो, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया,
ऊपर गया नीचे आया, मतलब ईएमए के जस्ट नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया है। और जब तक कोई भी ईएमए का यहाँ पर कैंडल नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ओके, समझ रहे हो? तो अभी तक तो मेरा जो व्यू है आप देख सकते हो, नीचे आया ऊपर गया, रेड और ग्रीन कैंडल देखो, नीचे आया ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, अब यहाँ से थोड़ा सा फिर से ऊपर जा सकता है, समझ रहे हो? लेकिन ये 1 आवर है फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट्स आपको अपने अकॉर्डिंग कैप्चर करने पड़ेंगे कि मेरे को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर मेरा व्यू डाउन साइड भी है ना, तो आपको ये कैप्चर करना पड़ेगा कि मेरा सपोर्ट कहाँ है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो यहाँ पर और आपको ये पॉइंट मिल रहे हैं कितने, 10 पॉइंट, तो क्या आप ये ट्रेड लोगे क्या? नहीं लोगे ना यार, क्योंकि मेरा सपोर्ट है नीचे, मैं कैसे लूँ ट्रेड? तो इस तरीके से अगर मान लो आपका प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट यहाँ पर है, और ये जो गैप है ये है 100 पॉइंट का, तो आप यहाँ पर आराम से ट्रेड लो डाउन साइड का। क्योंकि अब जो यहाँ से प्राइस भी अगर गिरेगा ना, और आपका आपका ट्रेड बना भी, सेटअप भी बना, तो जैसे ही लो ब्रेक करेगा आप ट्रेड ले सकते हो, आपको 70 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, समझ रहे हो? तो सपोर्ट अभी बहुत नीचे है, तब तक आप ट्रेड ले सकते हो। बाकी यहाँ पर यार देखो 10 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, क्या ट्रेड लोगे इसमें? बाकी आधा तो ऐसे ही चला जाएगा, डेल्टा डेल्टा क्या होगा इसका, 0.5, यानी कि 5 पॉइंट आप कैप्चर करोगे, समझ रहे हो? तो हाई राइज में काम कर रहा है, देखो मार्केट हाई राइज बनाता हुआ जा रहा है, तो फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है, फिर से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल वो बना सकता है। ओके, लेकिन अभी इस कैंडल को बनने में 30 मिनट बाकी है, तो 30 मिनट के अंदर मेरे को कोई अगर डाउन साइड का ट्रेड मिला ना, तो मैं ले सकता हूँ, समझ रहे हो? ओके, तो इस तरीके से वर्क करता है। और 1 आवर पे भी मेरा व्यू क्या है अब लिख लो यहाँ पर, ठीक है, हर चीज़ लिखना ज़रूरी है। वन आवर पे भी मेरा जो व्यू है वो क्या है, वो है थोड़ा सा डाउन साइड, यानी कि थोड़ा सा कह सकते हैं, ये कम है, ये यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा व्यू डाउन साइड है। ओके, अब गाइस हम लोग चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, 15 मिनट पे क्या हलचल चल रही है वो देखते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो 15 मिनट पे कैंडल्स नीचे आ चुकी है। ओके, ये 24,000 से रिजेक्शन ले चुका है, तो 24,000 हमारे लिए क्या था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से उसने रिजेक्शन ले लिया है। ओके, और हमारे लिए अब ये 15 मिनट पे, तो आपको यहाँ पर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ढूंढने ही पड़ेंगे। देखो ये काम कर रहा है, और बाकी कौन सा है, एक लेवल ये नहीं है, ठीक है, इसको रहने दो। बाकी एक जो है वो है फिर नीचे, ये रहा, यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार कंसोल्ड किया है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। और कौन से सपोर्ट्स है हमारे लिए, और बाकी तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है। तो गाइस आप देख सकते हो ये तो हमारा ट्रेंड लाइन था ही, देखो अब देखो अभी कितना अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर देखो रिजेक्शन लिया ऊपर गया, रिजेक्शन दिया ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन दिया ऊपर गया, तो ये ऐसे काम कर रहा है। और बाकी मेरे को 15 मिनट पे एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है, जो कि मार्केट में अच्छे तरीके से फॉलो हो रही है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो हम लोग नीचे के साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कहाँ तक करेंगे, 23,800 तक, तो कितना पॉइंट कैप्चर करने को मिलेगा? अब देखो अगर यहाँ पर अपना कोई सेटअप बनता है, तो हम लोग यहाँ पर अगर ट्रेड भी लेंगे, तो कितना पॉइंट मिलेगा, 110 पॉइंट यार। अब समझो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डाउन साइड का ले सकता हूँ कब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, तो बाकी नहीं। ओके, समझ रहे हो? तो ये होगा मेरा डाउन साइड का व्यू। अभी आपने देखा कि मेरा व्यू किस साइड था, मेरा व्यू था डाउन साइड, यानी कि 4 आवर पे भी मेरा व्यू क्या था, डाउन साइड। 1 आवर पे भी क्या था, डाउन साइड। 15 मिनट पे भी क्या है, 15 मिनट पे मेरा साइडवेज मार्केट है अभी, समझ रहे हो? साइडवेज है, ईएमए के आसपास अगर वो ट्रेड कर रहा है, ईएमए के आसपास अगर वो ट्रेड कर रहा है, ईएमए भी फ्लैट है, और यहाँ पर कुछ कैंडल्स इस तरीके से बन रहा है, तो ये साइडवेज है। अगर ये डाउन साइड जाएगा तो मैं ट्रेड को प्लान करूँगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर मेरा व्यू क्या है, डाउन साइड, यहाँ पर भी मान लो, बाकी अपसाइड भी हो सकता है। अगर यहाँ पर देखो अब मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर मेरा अपसाइड भी हो सकता है, अगर ईएमए का रिजेक्शन देते हुए कोई हैमर कैंडल बनाया, उसका हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी कितना पॉइंट मिलेगा देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं एक यहाँ से भी ले तो 53 पॉइंट, एक स्कैल्पर के लिए 15-20 पॉइंट भी बहुत होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ। बाकी 15 मिनट पे ज़्यादा जो मोमेंटम आएगा ना, वो कब आएगा, वो आएगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे। हालांकि ऐसे करेगा नहीं इसको, क्योंकि बहुत बार रिजेक्शन दिया है, ठीक है, बहुत बार दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दिया ऊपर गया, यहाँ से दिया ऊपर गया, यहाँ से दिया ऊपर गया, तो इस बार भी हो सकता है यहाँ पर आए और ऊपर चला जाए, तो हमें दोनों तरफ रेडी रहना है, समझ रहे हो? तो 5 मिनट पे चलते हैं, 5 मिनट में क्या हो रहा है एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें एंट्री और एग्जिट 5 मिनट पे ही लेनी है। ओके, 5 मिनट पे हम लोग देखेंगे क्या हमारा क्या सेटअप बन रहा है। तो 5 मिनट पे हमारा कोई भी यहाँ पर सेटअप नहीं बन रहा है, बाकी एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से। ओके, इस तरीके की ये ट्रेंड लाइन बन रही है, और बाकी इस चैनल में घूम रहा है, बाकी यहाँ से ये डाउन आ सकता है और गिरेगा, कितना गिरेगा इस ट्रेंड लाइन तक, कितना पॉइंट्स कैप्चर करेंगे देख लो यार, ये 22 पॉइंट, ठीक है। बाकी इसका जो अगर आप एटीएम भी लोगे तो कितना मिलेगा आपको,
एट द मनी भी लोगे तो 15-14 पॉइंट्स आपके प्रीमियम के आपको मिल जाएंगे। अगर मैं 15 पॉइंट लूँ इंटू 15 इंटू 25, निफ्टी का एक लॉट कितने का होता है 25 का, तो ये कितना हुआ ठीक है, और ये हो गया 375 ठीक है। तो गाइस हमारा प्रॉफिट कितने का होगा, हमारा प्रॉफिट होगा 375 रुपीज़ का, समझ रहे हो, एक लॉट से। तो ये था ट्रेड का यहाँ पर ठीक है। बाकी यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनाया है, लो ब्रेक किया तो यहाँ तक जा सकता है ओके। तो गाइस 5 मिनट पे अब हमें यहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट प्लान करना है, और एंट्री और एग्ज़िट हम लोग किस तरीके से प्लान करते हैं आप लोगों को पता है, वो हम लोग प्लान करते हैं यहाँ पर हमारी EMA स्ट्रैटेजी के ऊपर। गाइस अगर देखो अभी तक आपने EMA स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो एंट्री और एग्ज़िट हम लोग यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लान करते हैं ओके। टारगेट भी हम लोग इसी तरीके से लेते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि हम लोग इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे कैसे एनालाइज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, हम लोग डेली लाइव आते हैं, इस स्ट्रैटेजी को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही ओके। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस।